यार नबील, तुम्हारी माँ ने तो कानों से धुएं निकलवा दिए यार। यार मैं हूँ साहब, आपके कहीं कानों के बाल तो नहीं जल गए? नबील यार जानू, माँ जी ने इतनी मिर्चें डाली है ना, चीनी भी असर नहीं कर रही। माँ जी को क्या नजर नहीं आता जो नमक की जगह इतनी मिर्चें डाल दी है? अरे तुम्हें तो पता है यार, तुम्हारी सास को भूलने की बीमारी है। तो वो देख तो सकती है ना महमूद साहब, या नजर भी नहीं आता उन्हें। चांदी आवाज बदल के मुझे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ माँ जी, आप क्या कर रही हैं? मैं अपने पुत्र लोहे को नहलाने जा रही हूँ। ओ माँ जी, आपका पुत्र नहीं है, मेरी पुत्री है चांदी। हैं? हाँ माँ जी। हाँ तो फिर मेरा पुत्र कहाँ है? ओ माँ जी, वो अपने दोस्त के घर गया हुआ है। चल ठीक है, तू अपनी पुत्री को नहला, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आराम करने जा रही हूँ। ये माँ जी को अचानक क्या हो गया? मुझे लगता है जानू, इन्होंने नाश्ता ज्यादा कर लिया, गैस हो गई है इनको। अरे कुछ नहीं हुआ यार। यार महमूद साहब, मुझे लग रहा है माँ जी की बिनाई बहुत कमजोर हो गई है, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। कैसी बातें कर रहे हो नबील? अरे हाँ ना, जब भी तो उन्होंने सुबह नाश्ते में नमक की जगह मिर्चें डाल दी थी यार, और चांदी को सोना समझ के नहला रही थी। इसका मतलब है तुम्हारी माँ की आँखों का इलाज करवाना पड़ेगा। अरे महमूद साहब, अब माँ जी की किस किस चीज का इलाज करवाएंगे हम, अब उनका कुछ नहीं हो सकता। तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं अपनी बीवी को इस हालत में छोड़कर किसी खूबसूरत और सेहतमंद लड़की से शादी कर लूं? अरे यार ये क्या, आप दूसरी शादी के पीछे पड़ गए हैं? क्यों, मेरा दिल नहीं है क्या? हैं? वसीम, 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 आ, 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 माजी, क्या हुआ माजी? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा नसीम। नबील माजी। हाँ मुझे नबील नहीं दिखाई दे रहा। नबील, लगता है तुम्हारी माँ अंधी हो गई है। क्या माजी, तो पहले इतनी अन्नी मचाई हुई थी, अब क्या करेंगी ये? आए, आए, मैं अन्नी हो गई हूँ। हाय अल्लाह, अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना था। हाय, अब मैं मेकअप कैसे करूँगी, फिल्म कैसे देखूंगी? नबील माँ जी को अंदर लेकर चलो फिल्म देखने के लिए। शट अप नबील। ओके जानू, चले माँ जी, उठे यार, उठे उठे उठे। ओ यार मैं मुझे बाप उठाए यार। इधर मोमो, इधर अंदर। अल्लाह जी, ये क्या हो गया? मोमो रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अब तो माँ जी, आप घोट कर पानी पीने की क्या जरूरत है? जाओ खूबसूरत माँ जी के लिए पानी लेके आओ। पानी को दफा कर, मेरे लिए शकंजबीन लेके आओ। माजबीन यार महमूद साहब, कल रात तक तो माँ जी बिल्कुल ठीक थी। हाँ लेकिन 2-3 दिन से ना तुम्हारी माँ के सर में बहुत दर्द था, और आपने फिर भी मेरा सर नहीं दबाया। सॉरी मोमो। हाय, आप तो पहले ही मेरा ख्याल नहीं रखते थे जमाल, और अब तो मैं अंधी हो गई हूँ। काश तुम गुंगी हो जाती। चुप। ये महमूद साहब। थैंक यू। ओ महमूद साहब, मां जी के लिए आया यार। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मुंह खोलो, ये लो पियो। शाबाश शाबाश, और पियो और पियो और पियो। ये चीज अब बताओ मोमो, तुम्हें कुछ नजर आया? नहीं। कमाल करते हैं यार महमूद साहब, जूस पीने से माँ जी की बिनाई वापस आ जाएगी। और मैं अब दोपहर का खाना कैसे बनाऊंगी पुत्र? ओ माँ जी, आप खाने की फिक्र मत करें, खाना दोपहर का जो है ना वो खूबसूरत बना लेगी। क्या? हाँ जानू। पुत्र फिर आलू गोश्त बनाना, आज मैं वही खाऊंगी खाने में। नबील तुम जरा कमरे में आना। ओ जानू, मैं पहले कमरे में ही हूँ। हमारे कमरे में। ओके जानू। मोमो, ये जो बाकी जूस बच गया है ये मैं पी लूं। क्या हो गया जानू, क्या हो गया, क्या हुआ? मुझे लगता है माजी अंधेपन की एक्टिंग कर रही है। ओ यार, हमने कौन सा माजी से अंधे का रोल करवाना है जो वो एक्टिंग करेंगी? वो काम से बचने के लिए अंधे होने का ड्रामा कर रही है। शर्म आनी चाहिए खूबसूरत तुम्हें, माजी नहीं तुम काम से बचने के लिए माजी पर इल्जाम लगा रही हो, और ये घटिया इल्जाम है। क्या? मेरी माँ वाकई अंधी हो गई है। तो फिर उन्हें किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? वो तो मैं दिखाऊंगा, माँ जी का इलाज भी करवाऊंगा। मुझे लगता है माँ जी के इलाज में 4-5 महीने लग सकते हैं। घर का काम तुम्हें करना होगा खूबसूरत। What? हाँ जानू, मैं महमूद साहब से जाके ना डिस्कस करता हूँ कि माँ जी का इलाज करवाना कैसे है। यार
यार नबील, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। ओ यार महमूद साहब, कुछ भी हो माँ जी का इलाज तो करवाना पड़ेगा ना यार। अरे लेकिन उसके लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की आप फिक्र मत करें महमूद साहब, मैं अपनी माँ की आंखों के इलाज के लिए एक बार फिर बेगैरत बन के अपने सुसर से पैसे मांग लूंगा। मुझे तो अपनी माँ के इलाज के लिए एक मरतबा फिर बनोगे वो। ओ महमूद साहब बस करें यार, पता है। ओहो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जानू, तुमने पहले मंगवा ली है? नहीं भाई, ये देखो आज के अखबार में पैम्फलेट आया। कैसा पैम्फलेट? आँखों के डॉक्टर का। आँखों के डॉक्टर का? हाँ नबील, घर बैठे बैठे लेजर ट्रीटमेंट से अंधेपन का इलाज, वो भी सिर्फ 3,000 रुपए में। जानू आजकल 3,000 रुपए में तो वेल्डिंग नहीं होती यार, माँ जी की आँखें कैसे ठीक होगी यार। अरे कोई ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं है, अमेरिका से पढ़ कर आया है। और जानू मुझे लगता है अमेरिका में उसने ना मुँह में कुछ ना कुछ पढ़ा है। अरे तो फिर फोन करो ना उसे। हाँ चले, अंदर चल के करते। मेहरबान कदरदान, पैदाइशी अंधों का इलाज या फिर हादसाती अंधों का इलाज कराइए घर बैठे सिर्फ 3,000 रुपए में। और तो और, अगर एक इलाज कराएंगे तो दूसरा इलाज बिल्कुल 50% डिस्काउंट पे। भाई पहले आइए, पहले पाइए, अमेरिकन डॉक्टर बीना से इलाज कराइए। भाई डॉक्टर बीना मैं फोन कर दिया। हेलो हेलो जी, डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? फोन कीजिए। तू 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 हेलो, डॉक्टर बीना बोल रहा हूँ। डॉक्टर बीना, मगर आपकी आवाज तो मर्दों जैसी है। तो भाई मैं मर्द ही तो हूँ, बोलिए ना। डॉक्टर साहब, मैंने आपका इश्तहार देखा था। अच्छा, आपके घर में आया था? जी, हमें आपसे आंखों का ट्रीटमेंट करवाना है। भाई आप एड्रेस लिखवाइए, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा। हाँ बोलिए। ठीक है, बस मैं आया अभी, 10 मिनट में आया अभी। चांस बन गया चांस। अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? भाई जल्दी पैसे वापस करना है आपका। अरे मेरा ऑपरेशन क्यों करना है भाई? तो फिर मरीज कौन है? डॉक्टर साहब आ गए। अच्छा तो मरीज ये है, चले जल्दी करें, लेट जाए। तो क्यों लेट जाऊं भाई, तू है कौन? मैं डॉक्टर बीना हूँ। डॉक्टर बीना? लेकिन लग रहे हैं बीना। डॉक्टर साहब, मैंने आपको फोन किया था। आपको ऑपरेशन करना है? नहीं नहीं, माँ जी का। ओके ओके ओके, आप ऑपरेशन करेंगे? हाँ भाई, मैं आँखों का डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन करता हूँ। ओ भाई, तेरी तो अपनी आँखें खराब है। अरे अब तो ठीक हो गई है। हाँ भाई, मैं तो बचपन से नाबीना था, फिर मैंने अपना इलाज खुद किया, अब मेरी आंखें ठीक हो गई। ये जो आपकी आंखें हुई हैं, वो ठीक है? हाँ भाई, मैं उन डॉक्टरों में से नहीं हूँ जो मरीजों पे तजुर्बा करते हैं। पहले मैं खुद पे तजुर्बा करता हूँ, फिर मरीजों का इलाज करता हूँ। वाह 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 वाह, चले भाई जल्दी करें, ये बताएं ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर हमारे घर में कैसे आएगा डॉक्टर साहब? अरे तो फिर मरीज का इलाज कैसे करूंगा मैं? ओ भाई हमें क्या पता, डॉक्टर तू है या हम? अच्छा तो फिर आपके घर में बेड तो है ना? अरे 2-3 बेड है। तो फिर मुझे बेड दिखाई ताकि मैं वहाँ ऑपरेशन करूँ। आइए आइए, मैं आपको महमूद साहब का बेड दिखाता हूँ। आइए। डॉक्टर मीना। डॉक्टर बीना? हाँ हाँ, ये रहा बेड। अच्छा ये है। ये आप क्या कर रहे हैं भाई? रिलैक्स कर रहा हूँ। जो ऑपरेशन हम करेंगे। बस देखिए, मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ जो 10 मिनट में ऑपरेशन कर दूँ। मैं तो ऑपरेशन बहुत सुकून से करता हूँ, उसके बाद रिलैक्स करता हूँ। तो चलें यार, माँ जी को तो लेके आए। आप दोनों में से किसी को मालिश करना आती है? यार नबील, ये क्या चीज है? चले फिर एक काम करे, माँ जी को भेज दे। क्या बकवास कर रहा है? अरे भाई ऑपरेशन के लिए। अच्छा तो चले यार, मैं मुसा माँ जी को लेके आए।
माँ जी आप यहाँ क्या कर रही थी? पुत्र मैं तो बेड पे सो रही थी। मोमो तुम बेड पर नहीं बेड के नीचे सो रही थी। चले भाई आ जाओ कुर्सी पे बैठे। आप कुर्सी पर बैठा कर ऑपरेशन करेंगे? हाँ भाई लेजर ऑपरेशन आपने पंपलेट में पढ़ा नहीं था? घर पे बैठे बैठे इलाज करता हूँ। अरे तो फिर बेड का क्यों पूछ रहे थे? वो तो मैं अपने लेटने के लिए पूछ रहा था। जी मैं ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद फौरन रेस्ट करता हूँ। ओ माजी आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? आए ना यार। अच्छा ओ माजी ओ माजी ओ माजी कुर्सी पकड़ो कुर्सी पकड़ो। माजी माजी खा लो माजी उठे उठे यहाँ बैठे। यस ये चीज माजी। अच्छा ये क्या कर रहे हैं आप है? डरो मत मोमो, दो तीन गोलियों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे भाई घबराए मत, ये वो गन नहीं है, इससे तो मैं आपकी आंखें धोऊंगा। कुछ नजर आया? नहीं नहीं। कैसे नजर आएगा, अभी तो मैंने ऑपरेशन शुरू ही नहीं किया। आप करूंगा। मेरे ख्याल में अब ये माँ जी को मारेगा। अरे भाई हिलना नहीं है। यार नबील ये कर क्या रहा है? मैं मूसा मुझे लग रहा है ये माँ जी की आग में गोली मारेगा, निकालेगा, उसको रिपेयर करेगा, फिर लगा देगा। मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरा निशाना गलत हो जाएगा। तू यहाँ ऑपरेशन करने आया है या शिकार करने आया है? भाई आप दोनों में से कोई एक आदमी रुक सकता। बस मैं मूसा आप रुके यार, मैं अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता। नबील अरे भाई हिले नहीं हिले नहीं। मोमो आराम से बैठो ना आराम से। कौन है ये है? मैं हूँ तुम्हारा शौहर। उधर देखो ये बस यहाँ से हिलना नहीं। मेरा हाथ पकड़ के रखे कोई आदमी आया है। नबील कोई खुशखबरी? खुदा का खौफ करो, अंदर माँ जी की आंखों का ऑपरेशन चल रहा है। अरे तो मैं भी तो यही पूछ रही हूँ ना कि माँ जी की आंखें ठीक हो गई। पता नहीं जानू, अभी तक तो वो निशाना ही ले रहा था। किस चीज का निशाना? माँ जी की आंखों का। अरे यार वो डॉक्टर अंदर लेजर ट्रीटमेंट कर रहा है या कंचे खेल रहा है? मुझे क्या पता यार, मुझे तो पहले बड़ी टेंशन हो रही है। किस चीज की टेंशन? यही यार कि मुझे 3,000 जैसी छोटी रकम के लिए भी ना तुम्हारे पापा से पैसे मांगने पड़ेंगे। क्या? और नहीं तो क्या? नबील तुम पापा से पैसे नहीं मांगोगे। मुझे पता था जानू, इतनी छोटी रकम तो तुम मुझे वैसे ही दे दोगी। थैंक यू वेरी वेरी मच जानू। आराम से मोमो। आजे आजे आओ। इधर 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 हाँ, ज्यादा हिलो नहीं बतख की तरह। आराम से आराम। मुबारक हो जानू, माँ जी का ऑपरेशन हो गया। आने माँ जी। माँ जी मैं हूँ। आजे 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 आराम से। माँ जी आपको नजर आ रहा है? नहीं पुत्र मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। उस डॉक्टर बीना ने कैसा इलाज किया यार, माँ जी को तो अभी तक नजर नहीं आ रहा। नबील माँ जी को कैसे नजर आएगा, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है यार। हाँ हद करते हैं मामू साहब आप भी। वो माँ जी की आंखों से पट्टी तो खोले। अरे डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो पट्टी खुद खोलेंगे। ओहो मगर वो डॉक्टर है कहाँ? सिर्फ 1500 रूपए लूंगा। अरे दफा करें यार मेरे इलाज को, आप पहले मेरी बीवी की आंखों से पट्टी तो निकाले। पट्टी उनकी आंखों में चली गई? ओहो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मुझे उनका ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। अरे पट्टी उनकी आंखों में नहीं गई, उनकी आंखों पर बंधी हुई है, उसे खोले। तो फिर ऐसा बोले ना। ऐसा वो भाई जल्दी करें, उनकी आंखों पर पट्टी खोले। डॉक्टर साहब आगे, डॉक्टर साहब आगे। माँ जी आपको मुबारक हो, आपकी पट्टी खुलने वाली। अरे डॉक्टर साहब पट्टी आराम से खोलिएगा, ऐसा ना हो कि खुलते ही किसी को काट ले। अरे भाई डराए तो मत, पट्टी तो खोलने दे। देखिए आप अपनी आंखें बंद रखिएगा। हाय आंखें बंद रखूंगी तो देखूंगी कैसे? ओहो मेरा मतलब है आपने अपनी आंखें आराम आराम से खोलनी है। ठीक है बस अब आपकी आंखों पे से पट्टी उतरेगी। कान अभी यहाँ ये, और आपने आराम आराम से अपनी आंखें खोलनी है। ठीक है जज्बाती नहीं होना। हाय डॉक्टर साहब मेरी आंखें नहीं खुल रही। क्या नबील लगता है तुम्हारी माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई है। यार चुप करें। माँ जी लेकिन आपकी आंखें तो खुली हुई हैं। हाय
तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ओए डॉक्टर, मेरी माँ की आंखें कहाँ हैं? अरे आंखें ये नहीं लगी हुई है। अरे तो फिर इसे नजर क्यों नहीं आ रहा? भाई मुझे लगता है कि मैंने पत्ती थोड़ा जल्दी खोल दी है। एक काम करें, आप ये पत्ती पकड़ें और दोबारा से जल्दी जल्दी पानी खाओ। ध्यान से बांध लीजिए, ध्यान से बांध लो, ध्यान से बांध। इंशाल्लाह भाई दुआ करें। ओ माँ जी चुप कर जाए, पट्टी खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक से बांध दिए? हाँ हाँ, हम सब अब चेक करें, चेक करें, चेक कर लेते, चेक कर लेते। माँ जी ये कितने हैं? 18। मोमो ये कितने हैं? 31। इसका मतलब है पट्टी बिल्कुल ठीक बंधी है। वेरी गुड, अब इनको लॉन में लेके चलते हैं ताकि इनकी पत्ती वहाँ खोले, वहाँ इनकी आंखों को रोशनी मिलेगी ना। पुत्र तुम लोगों ने मेरा ऑपरेशन डॉक्टर से ही कराया है या प्लम्बर से? देखे आप बोले मत, बोलने से आपकी आंखों की बिनाई वापस नहीं आएगी। चले इनको लॉन में लेके चले, वहाँ भाई वहाँ चाय पानी का बंदोबस्त होगा। हाँ वो जो चाय वाय का करना है वो बंदोबस्त है। हाँ जी जबरदस्त है। हाँ जी आओ, चलो चलो लॉन में चलो, आओ 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 लॉन में चलो, लॉन में चलो, लॉन में। ओए मुझे भी लेके जाओ कमीना। डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन तो ठीक किया ना यार? मैं बिल्कुल ठीक किया है। हाँ भाई अब तो मेरा हाथ बड़ा साफ हो गया है। पहले तो मैं ऑपरेशन करते हुए कैंसर गिरा देता था आंखों में। नहीं भाई मैं पागल थोड़ी हूँ, जमीन पे। मेरे ख्याल से अब इनकी पट्टी खोल देते। मोमो डॉक्टर साहब तुम्हारी यहाँ पट्टी खोलने लगे है। देखो जिस तरह फिल्मों में आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते है ना, इसी तरह आपने अपनी आंखें खोलनी है। ठीक है? ओके ओके, अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलिए। दीजिए भाई मुबारक हो, इनकी आंखें ठीक हो गई। लाइए मेरे 3000 रुपए। नहीं नहीं भाई मैंने ऑपरेशन किया है, पैसे तो लेके जाऊंगा। भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओए डॉक्टर, अरे बंद हो गया। बंद? हाँ भाई मैंने चश्मा उतारे बगैर ऑपरेशन कर लिया, अब मुझे चश्मा उतार के ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओ भाई तुझे बगैर चश्मे के नजर कहाँ आएगा? नहीं नहीं भाई इनका चश्मा उतारना पड़ेगा। माँ जी प्लीज एक मिनट जरा चश्मा उतारिए। अच्छा शकील, शकील, शकील। क्या हुआ माँ जी? मुझे कुछ कुछ धुंधला नजर आ रहा है। अच्छा अब माँ जी वापस लगाएं। आए, मैं फिर अंधी हो गई हूँ। ये क्या बकवास है यार? महमूद साहब इसका मतलब है कि माँ जी अंधी नहीं हुई हैं, उनके चश्मे का नंबर खराब हो गया है। हैं? और तू कैसे डॉक्टर है? तूने माँ जी का चश्मा बदलने की बजाय उनकी आंखों का ऑपरेशन कर दिया। कोई बात नहीं, अब मैं चश्मे का ऑपरेशन कर देता हूँ, 2000 रुपए अलग से लगेंगे। तुझे अभी देते हैं 2000 रुपए। एक बात बता दोस्त, तुझे 100-100 के नोट चाहिए या रेसगाड़ी? 100-100 के नोट। 100-100 के नोट। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं।